हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लासरूम में आप लोग का स्वागत है। आज के क्लासरूम में सीखने वाले हैं ईवे बिल होता क्या है और ईवे बिल हम जनरेट करते क्यों हैं और कैसे किया जाता है। तो चलिए इसको समझने के लिए हम यहाँ पे आते हैं और इसको थोड़ा एक एक करके समझते हैं। देखिए होता क्या है, जब से हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ है। क्या लागू हुआ है बाबू? जीएसटी। जब से हमारे यहाँ जीएसटी लागू हुआ है तब से हो क्या रहा है हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में, कि अगर सपोज ये बिजनेस कहाँ पे है, पड़रौना में, और एक बिजनेस सपोज मान लीजिए यह है कहाँ पे, कसिया में। फॉर एग्जाम्पल, एक पड़रौना, दूसरा कसिया। तो होता क्या है, पहले जब सपोज मान लीजिए यह सेल कर रहे हैं, कौन सेल कर रहे हैं, यस के, किसको, पीके को। तो आप बताइए यह पड़रौना से कसिया उस गुड्स को ले जाने के लिए किसी न किसी साधन का सहारा लेना पड़ेगा, ठीक है। तो जो हम लोग यहां से और यहां तक जो माल भेजवाते हैं, तो पहले होता क्या था, सेल टैक्स वाले चेक करते थे रास्ते में कि इतने लाख रुपए का माल लेके जा रहे हो, इसका कोई परमिट है, तो लोग दिखाते थे। अगर परमिट नहीं है तो उसको रोक दिया जाता था, ठीक है। अगर रहता था तो उसको आगे बढ़ने दिया जाता था। लेकिन जब से जीएसटी हमारे यहाँ आया है, कब से आया है, 1 जुलाई को, पता है ना, 2017, तब से बोला गया है कि अब जो सेल टैक्स वाले चेक करते हैं वह नॉर्मल परमिट नहीं चेक करते हैं। वो कहते हैं एक आप ऑनलाइन बिल जनरेट करिए, जितने लाख रुपए का उस गाड़ी में माल जा रहा है तभी मान्य होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो और आपकी गाड़ी पकड़ी जाती है तो अलग उसका लॉ है, जुर्माना अलग देना पड़ेगा आपको। तो गवर्नमेंट का रूल क्या है कि जब अभी आप एक बिल में, समझना, 50,000 से, 50,000 या 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो, तो उस समय क्या होगा, आपको एक ऑनलाइन ईवे बिल जनरेट करना होगा, जिसे बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक बिल। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉनिक बिल। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल क्यों बोला गया है, क्योंकि इसको ऑनलाइन यूजर आईडी और पासवर्ड के सारे जनरेट होता है। मतलब जो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन कराए हैं लोग ना, उनको क्या करते हैं लोग, वह एक ईवे बिल पे, मतलब ई वे बिल क्या ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पे अपना आईडी लेते हैं लोग, पासवर्ड लेते हैं और उसी से ईवे बिल जनरेट करते हैं। अब देखो रियल में रूल क्या है, एक ट्रांजेक्शन में 50,000, अगर उससे कम है तो वहां पे देखो, जब ये क्वेश्चन कर रहे थे आपको, ट्रांजेक्शन कर रहे थे, तो जब भी 50,000 से ज्यादा रहता तो यस ना पूछा जा रहा था, तो हम लोग नो कर दे रहे थे, लेकिन उससे कम रहता तो नहीं पूछा जा रहा था। जब एक बिल में 50,000 से ज्यादा ट्रांजेक्शन करते हो तो उसके लिए कंपलसरी कर दिया गया है कि ये बिल आप जनरेट करना ही करना है, लेकिन मैनुअली नहीं करना, ऑनलाइन करना, ठीक है। तो वही ऑनलाइन कैसे करते वो सीखेंगे। लेकिन ये भी सुन लो, समझ लो, ऐसा आप मत सोचना कि चलो इस गाड़ी में जो हम लाद के ले जा रहे हैं हम छोटा छोटा 10-10 हज़ार का बिल बना दे तब लेके चले जाए तो नहीं, नहीं, वो छोटा बनाओ या बड़ा बनाओ, अगर उस गाड़ी में 50,000 से ज्यादा माल है तो ईवे बिल चाहिए। तो समझे, रूल नहीं है, उससे कम रहेगा तो नहीं बना सकते हो, 10,000 भी रहे तो भी बनाइए, 20,000 रहे तो भी बनाइए, लेकिन 50,000 हो तो कंपलसरी बनाइए। लेकिन अगर एक बिल में 50,000 से कम है और उतना ही गाड़ी में माल जा रहा है तो उसके लिए गवर्नमेंट और सेल टैक्स वाले रोकेंगे नहीं। लेकिन अब छोटा छोटा कई तो बिल बना लो लेकिन 50,000 का माल उस गाड़ी में है तो भी ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। चेक क्या मालूम, कैसे पता चलेगा, करेगा,
क्यों नहीं पता करेगा, लेगा ना। हाँ अरे यार, जब उसको डाउट होगा ना तो ठीक करेगा, उसके लिए वही उनको पढ़ाया गया, वही समझाया गया है, पता कर लेंगे। उनको पता नहीं मार्केट के बारे में कितना, कितने लाख रुपए का माल पड़ा हुआ है, खुल के देखेगा नहीं क्या, गाड़ी चेक करेगा ना जो डाउट होगा तो। अरे यार इस समय कुछ भी 2 रुपया के बेचिए 10 रुपये का, होगा ही होगा, उनको सब पता चलता सुन लो, चलिए इसका भी रीजन है, ये भी फ्री में बनेगा, पैसा लगेगा, इसका गवर्नमेंट कोई चार्ज नहीं लेता है। क्यों लोग बनाते हैं, क्योंकि अगर मैनुअली लोग बनाते थे ना तो टैक्स की बहुत ज्यादा चोरी होती थी। जैसे एसके ने बेचा 2 लाख रुपए का माल, लेकिन नकली बिल बना के दे दिया, कितने का, 1.5 लाख रुपए का, तो उसमें टैक्स क्या होता था, चोरी हो जाता था। लेकिन जब ऑनलाइन जनरेट करोगे ना, तो जैसे ऑनलाइन जनरेट करोगे तैसे आपके नाम से टैक्स लाइबिलिटीज बुक हो जाएगा, ऑटोमेटिक गवर्नमेंट को पता चल जाएगा, तो उसमें चोरी नहीं हो पाती है। इसलिए गवर्नमेंट कहता है कि ये बिल जनरेट करना ही करना है। लेकिन ये तो जानते हो 2 लाख का है, कहते कोई बात नहीं हम लोग समझ लेंगे, 2 लाख तुमको देंगे लेकिन दिखाएंगे नहीं हम बिल में, ठीक है, हम 1 लाख दे दे रहे हैं और 1 लाख हम एक एक करके कभी कभी दे देंगे, ठीक है। तो सो नहीं होता था, और उस समय दिक्कत होती थी, ठीक है, तो कुछ सेल टैक्स वाले ले लेते थे, अदर ले लेते थे। लेकिन इस समय तुरंत ऑनलाइन रिपोर्ट जनरेट गवर्नमेंट के पास चला जाता है कि इसके नाम से, इस जीएसटी नंबर से ऑनलाइन इतना का टैक्स जनरेट हो गया, आईटीसी जनरेट हो गया, टैक्स लाइबिलिटी जनरेट हो गया, समझा ना। इसीलिए इस समय बहुत ही जरूरी है। हाँ ये लेकिन अगर 50 हजार से कम हो तो नहीं जरूरी है। अब चलिए, अब सवाल सर, ईवे बिल कौन कौन जनरेट कर सकता है। तो देखिए, ईवे बिल को जनरेट करने के लिए थ्योरी में ज्यादा टाइम लगेगा, उसमें प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ध्यान देना। कौन कौन जनरेट कर सकता है समझिएगा, एक बिजनेसमैन जो सेल कर रहा है, जैसे यस के, तो रियल में जरूरी तो होता है कि जो सेल करे वही ईवे बिल जनरेट करे, लेकिन यह इतना बिजी है कि इनके पास टाइम नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने ऐसा परमिशन दिया, कोई बात नहीं, पीके ने परचेज किया है ना, तो ये भी ईवे बिल अपने जीएसटी नंबर से जनरेट कर सकते हैं, समझ में आया, उसी बिल का, कोई दोनों लोग करेंगे कि बस एक ही करेगा दोनों में से, टाइम जिसके पास हो, ठीक है, आज चाहे, हाँ चाहे परचेज या सेल वाला। आज अगर मान लो दोनों बहुत बिजी इंसान है, तो जो ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदारी लिया है कि हम पहुंचा देंगे माल, उसका भी जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, जो ट्रांसपोर्ट कंपनियां होती हैं, तो वो चाहेगा तो ट्रांसपोर्ट वाला भी कर सकता है। मतलब इनके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, बोल देंगे तुम जनरेट कर देना, ईमेल कर देना। अगर इनके दोनों के पास टाइम नहीं है तो बोल देंगे दोनों, बाबू ट्रांसपोर्ट वाला आप जनरेट कर लेना, ठीक है, इतने लाख रुपए का माल हमने, हाँ का दिक्कत है, गाड़ी हो तो मत ले जाना माल। कौन सा, सुन लो, इसका भी रजिस्टर पर्सन होते हैं सब, बड़े बड़े रहते हैं, ये भी रजिस्टर पर्सन है और ये भी रजिस्टर पर्सन है और रहते हैं सब, ठीक है ना। बड़ी बड़ी कंपनी बाहर से माल आते हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनियां, ठीक है, करोड़ों का उनका टर्नओवर है, ठीक है, तो जीएसटी में रजिस्ट्रेशन होता है, तो ये अपने जीएसटी नंबर से करेंगे, ये अपने से करेंगे, ये अपने से करेंगे, उसमें माल का ज्यादा डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। चाहोगे तो पूरा मेंशन कर दो, चाहो तो दो चार मेंशन कर दो, हाँ इतने का है, लेकिन देना पड़ेगा आपको। हाँ नहीं तो जानते हो, तो उसके लिए गवर्नमेंट ने ऐसा रूल बनाया है, ठीक है, कि एक आम यूजर जो है, ठीक है, अगर लेके जाता है तो सबसे पहले या तो तोड़ तोड़ के लेके जाए, ठीक है, थोड़ा थोड़ा, ठीक है, या तो उसको अगर गवर्नमेंट पकड़ लेता है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ लेगा आपसे। अरे छोड़ दो, कहीं रूम लेके रहते हो, ठीक है, और मान लो पूरा घर का सामान ला कर रख दिए, और मान लो ट्रांसफर हो जाता है, फिर से चले जाओ तो कसान से दिला ही, तो जब माल लदवा के ले जाओगे ना, उस गाड़ी में अगर 50 हजार से ज्यादा संपत्ति होगा तो उसके लिए भी रोक लेंगे सर, कि कहाँ से लेके जा रहे हो,
तो आपको डिटेल बताना पड़ेगा, हाँ या प्रूफ बताना पड़ेगा, जी सर या मेरा यह है, मेरा ट्रांसफर हुआ है या। वो नहीं लेगा, वो उसके नाम से जनरेट हो जाएगा जी। हाँ चलिए, अब कैसे होगा इसके लिए मैं बता रहा हूँ, तो आपको बेटर तरीके से समझ आएगा। तो चलिए इसके लिए हम आते हैं ऑफिशियल इसके वेबसाइट पे, लिखोगे आप ईबे बिल, ईबे बिल लिख लो ऑफिशियल वेबसाइट, ईबे बिल यही ऑफिशियल वेबसाइट है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स ईबे बिल सिस्टम। देखो गाड़ी दिख रहा ना आपको, पहले ही गाड़ी दिखा दिया। जेनेट हो चुका है 300 करोड़। चलिए क्या करेंगे हम लोग, कितने साल में चल रहा है, 4.5 साल के अंदर समझ सकते हो, आएंगे कहाँ पे लॉगिंग करना। अब लॉगिंग करने वास्ते यहाँ पे यूजर आईडी और पासवर्ड डालना, तो जहां काम करोगे उसका यूजर आईडी पासवर्ड मिलेगा उसको, हम मांग के लाए हैं। एक आम यूजर भी रजिस्ट्रेशन कर सकते, लेकिन जरूरी नहीं पड़ता। यहाँ पे कैप्चर को डालेंगे, लॉगिंग बार बार रिफ्रेश करता, बहुत दिक्कत करता है। बेगरा उसका पासवर्ड मिला रहेगा, कितने अंक डालेंगे, खुल गया। देखो नाम आ गया, जीएसटी नंबर इनका अपने आप आ गया, दिख रहा आपको इनका जीएसटी नंबर, नाम आ गया क्या, आशुतोष स्टेटस टैक्स पेयर। ठीक है, अब ईबे बिल जनरेट करने के तरीके क्या है। यही पे देखो लिखा है ईबे बिल, दिख रहा आपको, ईबे बिल पे क्लिक करें, और जैसे ईबे बिल पे क्लिक करें तो यहीं पे ऑप्शन आता है जनरेट न्यू, तो यहां पे क्लिक करें। अब इसी को मुझे समझाना है, और ऐसा है आपके सामने, ऐसे ही जब क्लिक करोगे तो मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग सेल परचेज अभी तक किए हैं ना, क्या किए हैं, सेल परचेज अभी तक किए हैं ना, सेम वही ऑप्शन इसमें भी है। तो पहला देखो ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है आउटवर्ड, आउटवर्ड मतलब सेल का रिकॉर्ड, और इनवर्ड मतलब जी, यही तो दिया है, मैंने बोला है ना आपको कि अगर हम सेल कर रहे हैं तो वहां पे क्या लेंगे आउटवर्ड, अगर हम परचेज कर रहे हैं तो हम क्या लेंगे इनवर्ड। तो चलो मान लो हम सेल ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं सेल कर रहे हैं, तो क्या लिया हमने, क्या लिया जी आउटवर्ड। उसके बाद से नीचे आते हैं करेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप, मतलब जो जनरेट करने वाले हो, जो आप सेल कर रहे हो, डॉक्यूमेंट्स का टाइप क्या है, डॉक्यूमेंट का टाइप का मतलब टैक्स इनवॉइस है या बिल ऑफ सप्लाई है, पढ़ाए थे आपको ना। तो देखो यहाँ पर जैसे क्लिक करेंगे देखो दो ऑप्शन आ गया, कि बिल ऑफ सप्लाई है
या टैक्स इनवाइस है, मतलब ऐसा गुड्स भेज रहे हो जिसपे टैक्स लागू है कि ऐसा गुड्स भेज रहे हो जिसपे टैक्स लागू नहीं है। तो हमने बोला टैक्स इनवाइस है, मतलब टैक्स से रिलेटेड है, तो क्या भरेंगे यहाँ पे? टैक्स इनवाइस। अब डॉक्यूमेंट नंबर, तो जो हम इनवाइस नंबर डालते हैं ना, उस वही डॉक्यूमेंट नंबर डाल देंगे। अरे पहले हम लोग टैली में एंट्री करेंगे, बीजी में एंट्री करेंगे, तो इनवाइस नंबर मिलेगा ना, वही नंबर क्या करेंगे यहाँ पे डाल देंगे। और आज का डेट बता रहा, किस डेट का है, आज ही का है। चलिए करंट ट्रांजेक्शन टाई, तो क्या लेंगे? रेगुलर डीलर, कुछ नहीं करना, नीचे आ जाना। ओके, और यहाँ पे क्या बता रहा है, यह बिल फ्रॉम, तो जो जनरेट कर रहे हैं इनका नाम आ गया है, जीएसटी नंबर आ गया है, स्टेट आ गया है, एड्रेस आ गया है, सब डिटेल देखो आ गया, आया है ना। कुछ नहीं करना है, नीचे आ जाना है। और यही जो तुम बिल में बार बार आ रहा था, बिल टू और शिफ्ट टू, इसको समझा दे रहे हैं आपको, आ रहा था ना बिल पे हम काम कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या है समझिएगा, इसको समझाने के लिए मैं यहाँ आ जाते हैं। इसको थोड़ा बेटर तरीके समझ में आ जाएगा आपको। देखो जैसे मान लो ये बिजनेसमैन है, कौन? एएसके। इन्होंने बेचा किसको? पीके को। समाया तो एएसके ने बेचा, ते बिल इशू कर रहे हैं, और खरीद कौन रहे हैं? पीके। तीन के नाम से क्या कर रहे हैं? बिल जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। इसके नाम से क्या कर रहे हैं? बिल जनरेट कर रहे हैं। देखो बता रहा क्या, बिल टू, मतलब किसके नाम से बिल बनाना है, तो किसके नाम से बनाना है उनको? पीके के नाम से। लेकिन कभी कोई ऐसा होता है कि ये भी व्यापारी माल मंगवाता है, लेकिन सीधे अपने कस्टमर के पास भेज देता है। देखियो आप लोग, जैसे मान लो पड़वाना में कई सारे बड़े बड़े व्यापारी हैं, और गोरखपुर से दिल्ली से माल मंगवाते हैं, और गांव में कई छोटे छोटे व्यापारी हैं, तो हम लोग खरीद रहे हैं पड़वाना से, वह वही माल खरीद रहे कहाँ से? दिल्ली से। तो सोचता है कि हम क्या करें, वो हमसे खरीदा है तो वही भी बता देते हैं बाबू, बिल हमारे नाम से जनरेट करना है, लेकिन शिफ्ट जाके आप पड़रे में करना, ठीक है, मतलब पूरा हिसाब किताब पड़े वाले का मेरा रहेगा। तो क्या हो जाएगा, उसमें बताएंगे, जैसे मान लो ये पीके, और पीके बेच रहे हैं किसको? आरके को, मतलब यह बेच रहे हैं इनको, और यह बेच रहे हैं इनको, तो यह बिल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे जी? तो बिल टू में किनका नाम लिखेंगे? पीके का, और शिफ्ट टू में आरके का, ठीक है। तो हम बता सकते हैं, एसके बोलेंगे हम बेच रहे हैं तो इनको, लेकिन इन्होंने बोला शिफ्ट कर दो किनके पास? आरके के पास, वही माल। अब वो सर फायदा क्या है इससे? फायदा बहुत ज्यादा है। अब मान लो वही माल आएगा दिल्ली से, तो यहाँ उतरवाएंगे ना, उतरवाने के बाद से फिर से रखिए, फिर से दूसरा गाड़ी खोजिए, फिर से लदवाइए, लदवाने फिर से भेजिए, उसमें क्या होता है, वही माल लादा लादा आया, तो यहाँ पे बस किराया थोड़ा सा बढ़ेगा ना जी, लदवाई उतरवाई तो नहीं बढ़ेगा। अरे वही माल ट्रक से उतारो, वही माल ट्रक से चढ़ाओ फिर से, तब तो जाएगा वहां पे। तो फायदा क्या होता है, थोड़ा सा दूरी बढ़ जाता है तो ट्रांसपोर्ट चार्ज बढ़ जाएगा, लेकिन जो उतारने चढ़ाव का जो प्रोसेस रहेगा वो कम हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा उसका बेनिफिट होगा। किसको? जो लोकल में बेच रहा पी के। इसीलिए लोग करते क्या है, बिल टू और शिफ्ट टू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है? तो यही पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे आ जाते हैं, बिल टू तो उनका नाम लिख देंगे, उसके बाद से शिफ्ट टू जी। तो चलिए हम एक जीएसटी नंबर लिख देते हैं। देखो जैसे जीएसटी नंबर लिखेंगे ना, सारा डिटेल आ जाएगा। लिख दे 09 1 2 3। आ गया, देखो जैसे जीएसटी नंबर डाले सारा डिटेल आ गया। क्या है? कंप्यूटर एम्पायर, उत्तर प्रदेश, कहाँ के हैं सब बता दिया, वार्ड नंबर सब, पीर अब्दुल हामिद नगर, ठीक है। केवल क्या डाला हूं मैं? जीएसटी नंबर। ऐसे ऑनलाइन जनरेट होता, अपने आप ऑनलाइन प्रोसेस हो जाता है। उसके बाद से चलिए नीचे आइए, अब कह रहा है आइटम डिटेल,
मतलब कौन कौन सा आइटम जा रहा है वह डिटेल हमको बताइए। तो चलिए क्या करना है, तो यहाँ वो आएंगे ना, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे ऑप्शन देता है, यहाँ पे बिल टू शिफ्ट टू ले लेंगे तो दोनों ऑप्शन पूछा जाएगा। ठीक है, बस हम समझा दियो, जब जरूरत पड़े तो बिल टू शिफ्ट टू लेंगे, यहाँ रेगुलर लेके तो यहाँ पे बिल टू शिफ्ट टू छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, चलो हम आइटम ले लेते हैं। क्या तो हमने बनाया सीमेंट, सीमेंट दो है, पीवीसी एसपीएल, तो सीमेंट, तो सीमेंट का पूरा डिटेल आ गया है। ठीक है, एचएसआर कोड आ गया है। ठीक है, कितना क्वांटिटी, एक टन बस, ज्यादा नहीं, टोटल वैल्यू एक टन का मान लो 50,000। हाँ टन है, एमटीएस। उसके बाद से जीएसटी रेट क्या है, 28%। आईजीएसटी लगेगा, दोनों एक ही स्टेट के हैं, अरे भी उत्तर प्रदेश जी, तो अपने आप देखो कैलकुलेट बता दिया। टोटल माल कितने का है, सीजीएसटी आ गया और जीएसटी आ गया, आईजीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, टोटल वैल्यू कितना आ गया, 64,000। अब चलिए, अब कह रहा है कि ट्रांसपोर्ट का डिटेल दीजिए, तो ट्रांसपोर्टर का नाम भरेंगे जिससे माल बेच रहे हैं जा रहा है। ठीक है, जिस नाम से ट्रांसपोर्ट चलता है, उसके बाद ट्रांसपोर्टर आईडी होता है उनका, उसके बाद से आईडी डालेंगे और उसके बाद से डिस्टेंस बताएगा कितना किलोमीटर। ठीक है, तो यहां से बता दिया। अब उसको देखो चार ऑप्शन दे रहा है, इसमें कह रहा है कि रोड से जाएगा या रेल से जाएगा या एयर से जाएगा या पानी वाले जहाज से जाएगा, ये भी ऑप्शन है, जाता है ना माल। तो अगर हम रोड से ले जा रहे हैं तो रोड सेलेक्ट करेंगे, अगर रेल से ले जा रहे हैं तो रेल सेलेक्ट करेंगे, अगर हवाई जहाज से ले जा रहे हैं ये लेंगे, और पानी वाले जहाज से ले जा रहे हैं तो शिफ्ट टू, अरे यार जुगड़िया से तो फिर ले जाएगा, तो पैसा लेगा ही लेगा। ठीक है बाबू, चलो हम कहाँ से लेके जा रहे हैं, रोड से। अब बस यहाँ पे व्हीकल नंबर बता दीजिए, गाड़ी का नंबर क्या है, तभी तो चेक होगा कहाँ इसी गाड़ी से माल जा रहा है। अब उसके बाद से ट्रांसपोर्टर का डॉक्यूमेंट नंबर, उसका एक डॉक्यूमेंट नंबर होता है ट्रांसपोर्टर का, और कर देंगे क्या है यहाँ पे सबमिट। सबमिट मत करना, मतलब कब सब सब सही चेक कर लेना, क्योंकि जैसे हम यहाँ पे सबमिट करेंगे ना तो कितने रुपए का टैक्स बढ़ जाएंगे इनका, 7,000, 7,000, 14,000। ठीक है, अगर गलती से भी सबमिट कर दिए इनके नाम से, किनके नाम से, आशुतोष स्टेटस के नाम से, 14,000 टैक्स देंगे, गवर्नमेंट के खाते में दिखाने लगेगा। इसीलिए सही है तभी करिएगा, ठीक है, गलत हो मत करिएगा, नहीं तो रिजेक्ट, जानते हो रिजेक्ट करते हैं, लेकिन दो चार बार रिजेक्ट कर दोगे ना तो आपके आईडी को ब्लॉक कर देगा, कहेगा फ्रॉड है, बार बार कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है, कर रहा है रिजेक्ट कर रहा है, इसीलिए मैंने यहां तक आपको दिखा दिया। क्या उसमें रिजेक्ट का भी ऑप्शन आता है, ठीक है बता दे रहे हैं, और यहाँ तक प्रीव्यू देख सकते हो, सबमिट मत करना। ओके, आप लोग नहीं, आप लोग जो काम करो तभी देख पाओ। अरे बड़ी डर लगता है यार, 14,000 ले लेगा हमसे। चलिए प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे, कर रहा हाईलाइट बॉक्स को अनचेक नहीं किए, चेक बॉक्स पर भी क्लिक नहीं किए, कौन सा क्या डॉक्यूमेंट नंबर नहीं दिया हमने, ओके आ गए, बस इसी कंट्रोल पी करके प्रिंट कर देंगे। हाँ, तो किसको दोगे, तुम्हारे पास एक रहेगा उसको दे देना, क्या करें हम, बैक, सबमिट नहीं करना, एग्जिट करना है। सर जी ठीक है, दो हाँ किसमें,
और सीमेंट का नाम भरे हैं और कितना पैसा है टोटल आइटम, और एग्जिट हो जाओ यार बाहर बोलो जी। ऐसे पर्चे आओ यहाँ पे ले लेंगे इनवर्ड सेम वही प्रोसेस जी। इसको क्लोज कर देते हैं, एग्जिट। चलिए मान लो सपोज आपने भर दिया ठीक है, लेकिन आप जल्दी गलती करना मत, उसके लिए देखिए यहीं पर ऑप्शन आता रिजेक्ट, ठीक रहा है, उसमें क्लिक करके रिजेक्ट करेंगे तो करेंगे नहीं, क्योंकि रिजेक्ट बार बार करो तो आईडी ब्लॉक कर देता है। हाँ एक बात और, अब आपको और क्या करना होगा, जैसे मान लो आइटम सीमेंट सेलेक्ट कर लिया आ गया है ना, तो वैसे इसमें भी जैसे हम लोग टैली में नहीं बनाते हैं कि कौन कौन सा आइटम बेचना है कौन कौन सा खरीदना है, इसमें भी हमको ऑनलाइन बनाना पड़ेगा इस आईडी पे। कैसे, तो देखो यहीं पे लिखा है क्या माई मास्टर, दिख रहा आपको, और माई मास्टर पे आएंगे क्लिक करेंगे तो कहेगा प्रोडक्ट वाला बनाना है या किसी क्लाइंट का बनाना है या किसी सप्लायर का बनाना है या किसी ट्रांसपोर्टर का बनाना है। तो मान लो कोई मेरा कस्टमर है उसका बनाना, तो क्या करेंगे क्लाइंट, कस्टमर क्या बोला गया यहाँ पे क्लाइंट, और सप्लायर जो हमको बेच रहा है माल उसे बोला गया सप्लायर, और जो लेके जाएगा उसे ट्रांसपोर्टर, और बल्क अपलोड मतलब छोटे छोटे बिल क्या करें हम थोड़ा दिखा दे रहे हैं आपको, क्लाइंट पे क्लिक करिए। अब देखो कितने क्लाइंट बने हैं यहाँ पे, देखो 1 2 3 4 देखो सर भी है इसमें, ठीक रहा है, 4 क्लाइंट है, पांचवा बस उसका जीएसटी नंबर डालिए और सबमिट कर दीजिए बन जाएगा। हाँ हाँ तो एक एक करके बनता जाएगा हम, अरे जितने कस्टमर आए उतना बनाते रहिए ठीक है। इसको एग्जिट, अरे यार अब जीएसटी नंबर डाल देना, अगर अनरजिस्टर्ड हो तो जीएसटी अनरजिस्टर कर देना, और आप क्या कर देना सबमिट, अनरजिस्टर करो तो क्या पूछा जाएगा, सब डिटेल पूछा जाएगा, देखो सब नाव गांव सब, लेकिन जीएसटी नंबर डाल देते तो जी अपने आप आ जाता। क्या करेंगे, आपको जीएसटी नंबर आपको पहले से मिला है ठीक है बाबू, उसके लिए चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्लॉक करता हूँ।